नंबर वन क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। इस कंपाउंड मूवमेंट से आपके ट्राइसेप के साथ साथ चेस्ट और शोल्डर मसल भी टारगेट होता है। इसे आप स्मिथ मशीन या रेगुलर फ्लैट बेंच पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेंच पर सीधे लेट जाए और शोल्डर की चौड़ाई से अधिक क्लोज ग्रिप से बारबल को पकड़ ले। फिर बारबल को ऊपर की ओर प्रेस करते समय ट्राइसेप को स्क्वीज करे। फिर धीरे धीरे उसे अपने चेस्ट की ओर नीचे लेकर आए। 8 से 12 रिपीटेशन के इसके आप 3 सेट करें। नंबर 2 केबल रोप पुश डाउन, जो कि एक आइसोलेट एक्सरसाइज है जिससे आपके ट्राइसेप में काफी अच्छा पंप आता है। इसे करने के लिए रोप केबल को मशीन के ऊपरी लॉक पर अटैच करके अपनी कोनी को अपने साइड में लॉक करते हुए रोप केबल को तब तक नीचे की ओर पुश करें जब तक कि आपका पूरा हाथ सीधा ना हो जाए। फिर ट्राइसेप मसल को स्क्वीज करने के बाद केबल को शुरुआती पोजीशन में ऊपर लाए। 12 से 15 रेप के इसके 3 सेट करें। नंबर 3 बेंच डिप्स। इस बॉडीवेट एक्सरसाइज से ट्राइसेप्स के तीनों एड एक साथ टारगेट होते हैं। वीडियो में दिखाए मुताबिक एक फ्लैट बेंच के किनारे पर अपनी हिप्स की चौड़ाई के बराबर दोनों हाथों को रखते हुए इसकी शुरुआत करें। अपने पैरों को सामने की ओर जमीन या फिर किसी बेंच पर रखें, फिर अपने बॉडी को तब तक नीचे लेकर जाए जब तक कि आपकी कोनी 90 डिग्री के एंगल पर न आ जाए। फिर ट्राइसेप मसल को स्क्वीज करते हुए अपने आप को शुरुआती पोजीशन में ऊपर की ओर उठाए। इसी फॉर्म के साथ इसके 10 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 4 केबल रोप ओवरहेड एक्सटेंशन। इससे ट्राइसेप्स का लॉन्गेड मसल टारगेट होता है। इसमें रोप केबल को मशीन के लोएस्ट पुली में अटैच करके केबल को सिर के पीछे से पकड़कर मशीन की ओर पीट करके खड़े हो जाए। फिर रोप केबल को तब तक ऊपर की ओर खींचे जब तक कि आपका पूरा हाथ सीधा ना हो जाए। इस पूरे मोमेंटम के दौरान अपनी कोनी को कानों के क्लोज रख के और नियंत्रण के साथ रोप केबल को नीचे लेकर आए। 12 से 15 रिपीटेशन के इसके भी 3 सेट करें और आप इसे लाइटवेट से ही परफॉर्म करें। नंबर 5 डंबल किक बैक। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स को आइसोलेट करने के लिए। इसे आप एक हाथ या फिर दोनों हाथों से एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो लाइटवेट डंबल को दोनों हाथों में लेकर बेंट ओवर पोजीशन में खड़े हो जाए। अपने बैक को सीधा और कोनी को बॉडी के क्लोज टेबल रखते हुए डंबल को पीछे की ओर किक करें तो ट्राइसेप को स्क्वीज करें। फिर नियंत्रण के साथ डंबल को स्टार्टिंग पोजीशन में लेकर आए। 12 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 6 केबल नीलिंग क्रंचेस। इस एक्सरसाइज से हम अब एब्स मसल को टारगेट करेंगे जिसकी शुरुआत हम केबल नीलिंग क्रंचेस से करेंगे। इसे करने के लिए केबल मशीन के ऊपरी पुली में रोप केबल को अटैच करके केबल को अपने सिर के ऊपर पकड़कर मशीन से थोड़ी दूरी पर अपने घुटनों के सपोर्ट से बैठ जाए। फिर अपने कोर मसल को स्क्वीज करते हुए रोप केबल को नीचे खींचे। फिर नियंत्रण के साथ केबल को ऊपर ले जाते हुए एब्स मसल को स्ट्रेच करें और फिर से इसे रिपीट करें। इसी फॉर्म के साथ इसके 15 से 20 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 7 हैंगिंग लेग रेजेस। एक बेहतरीन और इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके लोअर एब्स को टारगेट करने के लिए। इसमें अपने कोर को टाइट रखते हुए वीडियो में दिखाए मुताबिक पुलअप्स बार से लटक जाए। फिर अपने पैरों को अपने सामने की ओर 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर उठाए तो 1 सेकंड होल्ड करें। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को शुरुआती पोजीशन में नीचे लाएं। अगर आप बिगनर है तो आप इसकी जगह पर जमीन पर लेटकर लेग रेजेस कर सकते हैं। इसके 3 सेट और 12 से 15 रिपीटेशन करें।